आजकल आप देख रहे हो कि ये जो बार्ले वीट है, बार्ले क्रॉप है, दिन ब दिन घटता जा रहा है, दृश्य में ना दिन ब दिन ये घटता जा रहा है, बंद होता जा रहा है। तो ये जो बार्ले केक की जो हमने इसको इसलिए हमारा जो मेन मोटिव हमने इसको इसलिए डाला है ताकि लोगों को अवेयरनेस हो सके, क्योंकि आज यहाँ पे फेयर है तो आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे, इनको यहाँ से बहुत सारे अवेयरनेस मिलेंगे। जैसे कि मैं अपने आप को रिलेट करती हूँ, मैं भी 2016 में मेरे ही घर में मेरे फील्ड हमारे जो फील्ड है वहाँ पे 2016 में बहुत सारे ऐसे बार्ले क्रॉप्स उगा रहे थे। तो फिर इन 2013 में मैंने देखा कि दो ही फील्ड्स में ऐसे बार्ले के क्रॉप्स उगा रहे हैं, तो मैंने एनालाइज किया कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखा कि लोग इसको खा ही नहीं रहे, इंस्टेड ऑफ ये लोग क्या खा रहे कि आजकल हम जो है खुला पापा मन अज्जा मिजाजा जी बचा की नर्निंग से फिर यहाँ दाना उलूस यो नो चूक। तो अच्छे सम की मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसको एक रीडिजाइन बनाइए। मैं जैसे कि पापा खुला पुना आते मैं रजा में मजा ना आते लाइक रीडिजाइन जी चूसिंग प्रेजेंट विद, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको केक बना के दिया है। तो आजकल के जमाने में हमारे जो ईद होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, या आप बताए कि अति बख्तन वख्तों ने आते केक बेचा था बेचा ये केक हम आते गढ़ ना क्यों मत बाजार नंगियों से क्यों मत, वो फुल ऑफ मैदे से बना हुआ होते हैं जो हमारे कैंसर का भी बहुत ही ज्यादा मतलब जो है ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही खराब है, इसमें बहुत सारे केमिकल्स का यूज किया जाता है। तो इंस्टेड ऑफ इट हम क्यों ना इस केक को बना सके, है ना, हाँ इसको इस केक को उसमें डाल सके, तो इससे हमारे इकोनॉमिक सोशल इकोनॉमिक में क्या असर है, ये आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो इसका जो सोशल इकोनॉमिक ये है कि हमारे क्रॉप्स अगर इसका डिमांड जो है बढ़ जाए, प्रोडक्ट जो है मार्केट में बढ़ जाए, इसको हम किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, एक वैल्यू एडिशन की तरह। वैल्यू एडिशन मीन जैसे कि इसको अच्छे से पैक करेंगे, इस पे एक ब्रांड लगाएंगे ताकि इसका वैल्यू बढ़ सके। तो इसको जो है जितना अब इसको इसका डिमांड जो है मार्केट में बढ़ जाएगा उतना हमारे जो फार्मर्स है उसको उगाएंगे, उतना उगाएंगे जो बंद हो गया उसको फिर उसको, से वो yes, वो किसकी वजह से रीडिजाइन करके, ऐसे ही नहीं रीडिजाइन करके तो बढ़ जाएगा। तो उस क्रॉप को उगाने के लिए बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट की जरूरत होगी, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है अगर हम बात करें, दूसरा जो है प्रोडक्ट बढ़ जाएगा तो वहाँ पे बहुत सारे क्रॉप उगाने पड़ेंगे आपको, उगाएंगे तो इसका प्रोडक्ट बढ़ जा रहा है, उगा भी रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है, तो जो आपका पैसा है हमारे जो यहाँ के फार्मर्स है वो जो है इकोनॉमिकली रिच हो जाएंगे और हमें पंजाब जैसे हरियाणा जैसे उनमें देशों में जाना नहीं पड़ेगा, डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। और एक चीज ये भी है मैम कि हम जो है क्या करना चाहते हैं, इसकी जो ये प्रोडक्ट है इसको जो है फार्मर्स को अवेयर करके, जैसे फॉर एग्जांपल फार्मर को इनके पुराने जमाने में तो वो लोग उगाते तो थे लेकिन उनको ये पता नहीं था कि इसका बेनिफिट है क्या, इसीलिए ये खत्म हो गया मैम। तो आजकल के जमाने में हम क्या करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आपको पता है आजकल के बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे आप यूट्यूब का हो, जैसे आप फेसबुक का हो, उनसे हम उनको यूट्यूब में वीडियो बना के इनकी रेसिपीज उनको डाल के उनको दिखाएंगे कि किस तरीके से इसको करना है और उनको ज्यादा मतलब जो है इनमें कॉस्ट भी नहीं करना पड़ेगा मैम। जैसे कि बेसिकली आप जानते हो तो क्रॉप्स तो हमारे फार्मर्स को आता है किस तरीके से उगाना है, इनमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना होगा, जैसे हम कहते हैं ना कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बोएंगे सिर्फ एक बट प्रोडक्ट आपको ज्यादा मिलेगा। और अगर आजकल के जमाने आप देख सकते हो ओवन तो सबके पास होता है लेकिन उस अगर किसी कोई अफोर्ड नहीं कर सकते ओवन को तो वो प्रेशर कुकर में भी डाल के इसको बना सकते हैं। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं क्योंकि इसमें रिच प्रोटीन फाइबर होते हैं और ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही मतलब ठीक है। देखो मैम ये क्योंकि टेस्ट में थोड़ा फर्क होगा, एक बात नहीं पूछी मैं प्योर बार्ले का तो नहीं होगा, इसमें क्या मिक्स किया है, इसमें थोड़ा सा मैदा मैंने यूज किया है मैम, और मैदा आप फ्लोर वीट फ्लोर कर सकते हो, वो पहले बोला नहीं इतना ज्यादा नहीं मैम, क्योंकि देखिए जैसे कि आजकल के जमाने में लोग लुक्स को देखते हैं, नहीं इसके साथ ना आटे के साथ अच्छा बनता है क्योंकि आपने मैदा किया होता है मुझे पता नहीं इसमें कितना बार्ले चाहिए होते हैं, फिर इसमें इसमें ग्लूटेन फ्री होता है तो इसका शेप नहीं बनता है, तो उसमें थोड़ा आपने मैदा ज्यादा लगाया देखो मैम, अच्छा मैम जैसे हमने इसको पहली बार ट्रायल किया था हमने तो वहाँ पे अंदर थोड़ा सा बिना पके हुए रह गए थे, हमने इसी बार्ले का ही बनाया था
फिर हमने सोचा क्यों नहीं इसमें थोड़ा सा मैदा लगाया जाए। यस मैम, थोड़ा सा हमने किया तो मैम इस उस इंस्टीड ऑफ द मैदा से तो पूरा प्योर मैदा से तो ये बेहतर है ना, इसीलिए जी मैम। नहीं मैम, बार्ले हमने ज्यादा लगाया मैम, सिर्फ थोड़ा सा हमने सच में थोड़ा सा ये रखना था ना मैडम, मतलब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जब आप बनाओगे ना, कितना आपने मैदा लगाया इसमें, कितना बार्ले लगाया, उन सबका वो इंग्रेडिएंट्स जी मैम तो ताकि आप आगे लिख के होना चाहिए। तो आप बच्चे यहाँ आएंगे, देखेंगे कितना परसेंटेज लगाया, तो उसी हिसाब से बहुत अच्छा है। और एक बात और करना चाहते हैं, हम छोड़ रहे हैं ये ना बार्ले को जी, बाहर बहुत डिमांड है इसकी, अगर हमारे फार्मर चाहते हैं तो अच्छे से इसी पर वो सिस्टम कर सकते जी मैम, वही लेकिन इसलिए बदकिस्मत की हम छोड़ रहे हैं बाहर में इसकी। मैम साइंटिस्ट इन द ईसी का यस, और शी विल एलाबोरेट अबाउट दिस आल्सो प्लीज। मैम दिस इज बकव्हीट कुकीज, बकव्हीट मींस ब्रोकली, हमारे यहाँ पे ब्रोकली, ये हमारे एक एंसेस्टर क्रॉप, हमारे एंसेस्टर्स इस क्रॉप को उगाया करते थे लेकिन उनको इनका इस चीज का फायदा नहीं पता था, लेकिन आज के जमाने में ये क्रॉप बिल्कुल खत्म हो गया है। पूरे करगिल रीजन में सिर्फ दो ही ऐसे गाँव है जो ये क्रॉप उगाते हैं, इसकी वजह से इसका जो रेट है वो उसका जो कॉस्ट है बहुत ज्यादा हो गया, ये 600 पर केजी होता है। और मैम इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि ये हमें कैंसर से लड़ने में भी हेल्प करता है, ऊपर से ये हमारे कार्डियो वैस्कुलर हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, इससे हमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। अगर हम इस क्रॉप के प्रोडक्शन करेंगे तो हमारे फार्मर्स को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, जैसे कि अगर उन दोनों गाँव के अलावा अगर यहाँ पे भी इस रीजन में भी अगर हम इस क्रॉप को उगाएंगे तो जो इसका जो प्राइस होगा वो बहुत ज़्यादा कम होगा, और कॉमन आदमी भी इस ब्रोफे को जो है अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं। बेकरीज में जो कुकीज़ मिलते हैं वो तो प्योर मैदे के बने होते हैं, इंस्टेड ऑफ दिस हम इसको यूज कर सकते हैं ब्रोफे को, क्योंकि इसका भी बहुत अच्छा कुकीज बन सकता है। इसके अलावा हम इससे नूडल्स भी बना सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हम इससे बना सकते हैं, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसे मार्केट में जो चीज़ें हमें मिलते हैं वो इनऑर्गेनिक होते हैं, तो इससे बेटर ये है कि हम अपनी ही ऑर्गेनिक चीज़ों को यूज़ करें, और अपने हेल्थ इससे हमारा हेल्थ भी इम्प्रूव होगा और हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। ये क्वांटिटी में कम है लेकिन क्वालिटी का बहुत अच्छा, हमें तो मिलता ही नहीं है। मैम ये एक स्टार्टअप है लॉजिक करके हैं, लद्दाख ऑर्गेनिक एग्रीमेंट जो एक घर के आंगन से स्टार्ट होते हैं। ये 2020 में हमने जब पैंडमिक चल रहा था तो उस वक्त का कुछ ये है, जिसमें हमने जो लोकल अवेलेबल मीटर हमारा जो स्टार्डस्ट होता है उससे एक स्टार्ट किया है हाइड्रोपोनिक्स ग्रो करना। फिर इसके बाद हमने विंटर में कुछ रिसर्च किया, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर, बसी जरा दो बागवानी के साथ मिलकर विंटर में हमने ये सक्सेसफुल किया। फिर इसके बाद इसको आप कमर्शियल लेवल पे ले आ रहे हैं। अब कमर्शियल लेवल पे ले आने के बाद प्रॉब्लम ये है कि लद्दाख में हाइड्रोपोनिक्स एक मतलब बहुत ही कॉस्टली चीज़ होता है जो मतलब फार्मर इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, तो उसको हमने फिर फर्दर मॉडिफिकेशन करके अपना डिज़ाइन करके जैसे आप ये देख सकते हैं, तो हमने फार्मर्स के लिए जो एफोर्डेबल जो किया है, जो जिस हाइड्रोपोनिक्स का जो एक न्यूट्रेंट का जो कीमत 1000 पर लीटर होते हैं उस पे हमने R&D करके उसको 37 रुपीज पर लीटर पे लेके आया है, जो फार्मर्स के लिए शायद एक कंट्रीब्यूशन हो सकता है फ्यूचर में। तो उसके बगैर हम NGOs के साथ मिलके, स्टूडेंट्स के साथ मिलके उनको ये अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करते हैं। हाँ जैसे कि आप ये देख सकते हैं बिल्कुल स्वाइप, तो ये इस तरह होते हैं जिसमें हम प्योरली मतलब सॉइल के बगैर ही प्लांट ग्रो करने की कोशिश करते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जैसे कि अर्बन फार्मिंग के लिए, जैसे कि पूरा लद्दाख में एक इशू ये है कि जैसे कि विंटर में हमारे पास एक पोलियोस होते हैं जिसके अंदर बिल्कुल छोटा सा ही स्पेस होता है, मान लो 20 मीटर स्क्वायर का, तो हमारा इनिशिएटिव ये है कि हम उस 20 मीटर स्क्वायर को हम 7 times कैसे इंक्रीज करें। तो हाइड्रोपोनिक्स में ये प्रोविजन है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें जो स्पेस जो ले रहे हैं इसमें ये 3-4 times या इवन कि 7 times तक हम इसको वर्टिकल फार्मिंग में जा सकते हैं। तो उसके बगैर हम कुछ और टेक्नोलॉजीज पे भी काम करता है माइक्रो इरिगेशन के, तो ये आप जैसे देख सकते हैं
कुछ इंडस्ट्री पे और बाकी चीजों पे इवन की लैंडस्केपिंग के लोग करते हैं ताकि एक एग्रीकल्चर इनिशिएटिव बने। और यहाँ के एग्रीकल्चर में साइंटिस्ट का जॉब छोड़ के अपना ऑर्गेनाइजेशन हमारा फार्मर्स का एक ग्रुप है जिसमें 250 फार्मर्स काम कर रहे हैं। तो हम क्या सस्टेनेबिलिटी पे ज्यादा ध्यान देते हैं जिसमें सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनिक भी रहे प्लस जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था 1, 2, 3 जो तीन पार्ट है 0 पॉवर्टी और 9 हंगर और ये डेवलपमेंट उन चीज़ों पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ताकि ये इन फ्यूचर हमारे फार्मर्स के न्यूट्रिशन बने। और मैं खुद एक एक्सपर्ट रखता हूँ वाटर से रिलेटेड, तो वाटर से रिलेटेड बाकी वाटर शेड मैनेजमेंट हो या साइट स्पेसिफिक मैनेजमेंट हो या हमें माइक्रो इरीगेशन हो इवन कि ये सब वाटर कंजर्वेशन का एक पार्ट है जिसमें 80-90% वाटर से होते हैं तो उन पर अभी तक काम कर रहे हैं। ये खाली कारगिल में नहीं है बल्कि अभी लेह तक मतलब हम काम कर रहे हैं। हाँ विंटर में भी ये वाला जो सिस्टम है हमने विंटर के लिए ट्राई किया। जी जी अभी उसके अंदर ही हम विंटर में भी करते हैं और ओपन में समर में भी करते हैं। और पूरा लद्दाख के बगैर हम ये गुड़गांव में ये हमारा कंसल्टेंसी है और IIT मुंबई पर भी हमने कंसल्टेंसी दिया है। ये मेरा खुद का MTech का ट्रायल है जिसमें थोड़ा R&D जिन पे जो चल रहा है तो ये चीज़ें अभी तक जो इनिशिएटिव ये कहाँ पर एस्टेब्लिश किया है? ये हमारा एक फार्म है कन्नौर में हमारा फार्म है और हमारा मेन ऑफिस यहाँ जमा था हमें जिसमें हमारा जो इक्विपमेंट से रिलेटेड चीज़ें मिलते हैं और कन्नौर में हमारे फार्म पे जितने भी जो डेमो और बाकी चीज़ और कुछ अगर कहीं जगह अगर ये करना होगा तो वहाँ से बन के बाहर मतलब जहाँ पर ये ज्यादा स्टूडेंट्स को वेयर करना चाहिए। हाँ हाँ इनमें ज्यादातर अभी तक कभी यूनिवर्सिटी में भी आ सकते हैं वहाँ पर भी एक इस तरह का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो अभी तक तकरीबन 1500 स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेन किया हुआ है जिसमें शायद GDC जांचकर भी आपके भी स्टूडेंट है और लेह से भी कुछ स्टूडेंट इवन के इंजीनियरिंग स्टूडेंट का भी इंटर्नशिप करते हैं जिसमें जो इंजीनियरिंग का जो लास्ट सेमेस्टर तक क्या है तो उनको 1 मंथ हम ट्रेनिंग भी दे देते हैं जिसमें हम उनको इंटर्नशिप और बाकी चीज़ों पे टेक्नोलॉजीज पे काम करवाते हैं तो उनका जो फाइनल सेमेस्टर पे जो इंटर्नशिप होते हैं वो भी हम कर लेते हैं। हम खाली एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बल्कि हम हमारा एक प्लस NGO हाँ 3-4 ऑर्गेनाइजेशन बन के एग्रीकल्चर मतलब सस्टेनेबिलिटी पे काम कर रहे हैं जो कि अभी 3 साल हुए तो 3 साल का मतलब ये ये तो बेसिक एजुकेशन स्कूल्स यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में होना चाहिए क्योंकि अब तो ये इंटीग्रेट हो गया है ना मेन जो कोर्स के साथ वोकेशनल इंटीग्रेशन है तो ये सब चीजें कर सकता है। स्कूलों पे भी हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई छोटा प्रोजेक्ट होगा तो हम स्पॉन्सर करके भी बनाते हैं स्कूल्स में और ट्रेनिंग के लिए भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब स्कूल के जो ट्रेनिंग होगा वो हम कर सकते हैं ताकि एक